हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, SBI यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप 2022-23 का ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और अगर आप अभी तक नहीं जानते हैं कि ये फेलोशिप क्या है, तो मैं बता दूं कि अगर आप इस प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं और सिलेक्टेड होते हैं तो 13 महीने तक बहुत सारे NGO संस्था के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा, जो कि ग्रामीण विकास के जो समस्याएँ आता है उन समस्याओं का समाधान करने का मौका आपको मिलेगा। साथ ही आपको एक अच्छा खासा मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा और पूरा प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद आपको एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो आइए आज के इस वीडियो में देख लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या बेनिफिट्स है इस प्रोग्राम का और एक्चुअली में कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आइए सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, मतलब आपको क्या क्या क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना होगा तभी आप इस स्कीम में अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहला क्राइटेरिया, आपको भारत के निवासी होना चाहिए और अगर आप ओवरसीज़ इंडियन सिटीज़न है तब भी अप्लाई कर पाएंगे। नेपाल और भूटान का सिटीजन्स भी अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा क्राइटेरिया, आपका एज 21 से 32 साल के अंदर होना चाहिए। और तीसरा क्राइटेरिया, आपका कम से कम बैचलर डिग्री होना चाहिए तभी आप इस स्कीम में अप्लाई कर पाएंगे। अभी हम देख लेते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या फ़ायदे हैं इस स्कीम का। तो पहला है, आपको पर मंथ 15,000 का स्टाइपेंड मिलेगा, साथ ही आपको 1,000 रुपये ट्रैवलिंग अलाउंस का भी मिलेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि आपका सक्सेसफुल कॉम्प्लीशन के बाद आपको 50,000 रुपये मिलेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि आपका हेल्थ एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस रहेगा, जब तक आप फेलोशिप कंप्लीट नहीं करते तब तक आपका हेल्थ एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस आपके नाम पे रहेगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि एक्चुअली ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप करना होगा। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल से ये काम कर सकते हैं। तो मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे जाके यूथ फॉर इंडिया लिख के सर्च कीजिए। मैं इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो लिंक है youthforindia.org, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। और इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप ऑफिशियल होम पेज में आ जाएंगे। तो ऊपर आपको अप्लाई नाउ का बटन दिखेगा, तो सिंपली आपको इस अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही देखिए, आपको अभी अपना ईमेल आईडी यहाँ पे लिखना है और स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अभी नया पेज पे आपको अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख के नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। फिर आपको अपना लॉगिन क्रेडेंशियल सेट करना होगा, मतलब आपका ईमेल आईडी देना होगा, आप क्या पासवर्ड सेट करना चाहते हैं उस पासवर्ड को 2 बार लिखना होगा, आपका मोबाइल नंबर देना होगा। मोबाइल नंबर देने के बाद सेंड OTP पे क्लिक करना होगा और तभी आपके मोबाइल पे OTP आएगा। तो OTP लिखने के बाद नीचे जो नेक्स्ट बटन है, नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना होगा। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको देना होगा आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर और आपका करंट शहर कौन सा है, ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो इस पेज पे सब फिल करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। तो अभी देखिए, यहाँ पे आपको एकेडमिक डिटेल्स, मतलब कौन से साल में आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट किया है, लास्ट कौन सा इंस्टीट्यूट आपने अटेंड किया है, आप कौन से विभाग से बैचलर डिग्री कंप्लीट किए हैं, आप ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे लिखना होगा। और लिखने के बाद नीचे जो नेक्स्ट बटन है, नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही अभी आप प्रोफेशनल डिटेल्स में आ जाएंगे, मतलब आपका कोई पिछला प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है या नहीं, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे भरना होगा। और ये सब डिटेल्स देने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। तो अभी आप आखिरी पेज में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स देना होगा, मतलब कि आपको ये स्कीम के बारे में कैसे पता चला, सोशल मीडिया से या कहीं और के माध्यम से। तो ये सब डिटेल देखने के बाद ये जो टिक बॉक्स है, टिक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। और नीचे जो रिव्यू एंड सबमिट बटन दिया गया है, इसको क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। तो इसके एप्लीकेशन के लगभग 3 प्रोसेस है। पहला है प्रिलिमिनरी एप्लीकेशन जो मैंने दिखाया, उसके बाद आपका ऑनलाइन असेसमेंट होगा, मतलब को आप सिलेक्टेड होते हैं तो आपका ईमेल आईडी पे ऑनलाइन कुछ क्वेश्चंस पूछा जाएंगे, आप उसको सही तरीके से आंसर देना होगा आपको। फिर
वो क्लियर होता है तो आपको पर्सनल असेसमेंट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आप ये ज़्यादा कठिन नहीं है, आप इजीली इसको ले सकते हैं, मतलब कि आप थोड़ा प्रिपेयर होके इस ये सब क्लियर कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि ये काफ़ी अच्छा, मतलब कि एक फेलोशिप स्कीम है जो यंग जनरेशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मतलब कि आपको स्टाइफेंड भी मिलेगा, साथ ही आपको एनजीओ से के साथ आपको काम करने को मिलेगा एकदम ग्रास रूट लेवल में, मतलब कि ग्रामीण विकास में जो जो प्रॉब्लम्स होता है उनका समाधान करने का मौका आपको मिलेगा, जो एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है आपके फ्यूचर के लिए। तो ये आप सभी को ये अप्लाई करना चाहिए जो भी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो, और अगर आप घर पे हैं तो ये ज़रूर अप्लाई कीजिए, ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है आपके करियर डेवलपमेंट के लिए। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और इस स्कीम से जुड़ा जो ऑफिशियल लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डिटेल्स में भी पढ़ सकते हैं इस स्कीम के बारे में।